नमस्कार दोस्तों, मैं दीप्ति टॉप रिपोर्टर में आप सबका स्वागत करती हूं। आज हम आए हैं नर्दहा, जहां अध्यक्ष पक्ष के लिए चुनाव हो रहा है। जिंदाबाद 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 समाज गंगा की। आज जो चुनाव हुआ है उसमें जो अध्यक्ष प्रत्याशी के रूप में मुझको घोषित किया गया है, इसमें दसों राज्य के राज प्रधान और विशेष रूप से भाई कामता वर्मा, नरेंद्र कश्यप बलौदाबाजार राज्य विधानसभा राज्य प्रधान और बबला धंधा राज्य के राज प्रधान, हमारे जी राखन भाई, हमारा ये धरसिम्हा राज के देवक भाई राज से, और हमारे टीकाराम वर्मा पाटन राज से, अरुण भाई दुर्ग राज से, और शोभा राम भाई जो बादल जी बोलते हैं चंदी राज से, नवी के सहयोग अर्जुनी राज का, और जो ये नर्दहा भवन है वो हमारा एक उद्देश्य था, और नर्दहा गांव के समस्त स्वजाति बंधु और नगर और ग्राम पंचायत, यहाँ के सरपंच और पंचायत के और ग्राम सभा के जितने लोग नर्दहा भवन जो हमको समाज को दान दिए, वरिष्ठ उपाध्यक्ष था और नर्दहा भवन निर्माण समिति का अध्यक्ष था, तो मैं करीब 7 राज्य में गांव-गांव गया हूँ, और आज भवन 1,11,00,000 का खड़ा हुआ है जहाँ हमारे चुनाव हुआ है, और इसके लिए मैं सभी राज प्रधानों को और उनके कार्यकारिणी को धन्यवाद देता हूँ जो इस भवन के लिए ये लोग पैसा एकत्रित किए और सहयोग हमारे जो 1,00,000 से 1,00,000 तक योगदान दिए हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि चंदौली आज की जाए, नर्दहा गांव की जाए और कुर्मी समाज की जाए। हमारे आदर्श पुरुष डॉक्टर खूबचंद बघेल हैं, हमारे आदर्श पुरुष स्वामी आत्मानंद जी हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, और वीरता के रूप में शिवाजी महाराज हैं, जिनके अनुकरण करते हुए हम लोग काम किए हैं, और ये जो अभी है समाज के विकास और उन्नति और प्रगति का मार्ग, इसको डॉक्टर सिरमौर संकल्पित है समाज विकास के लिए और दिशा तय करने के लिए। अब हमारा अगला कार्यक्रम रहेगा, वैसे तो हम यही चाहते हैं कि 2 महीना में नर्दहा भवन कंप्लीट हो जाए, इसके बाद समाज के जो गरीब बच्चे हैं उसकी पढ़ाई के लिए, उसके विकास के लिए, दशा दिशा तय करने के लिए हम यही एक लागू करना चाहते हैं कि सुपर 40 का मतलब है 40 श्री का समाज द्वारा ये साहित्य करना। डॉक्टर सिरमौर भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सिरमौर भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कुछ ऐसा है उसमें जो असौंदा गांव में जो चुनाव हुआ था, तो हम लोग प्रत्याशी छाया वर्मा ने पहले दिन भाषण में अपना बोले थे कि बाहुबल, धनबल और जनबल तीनों प्रत्याशी के इस प्रकार किया है, और वो धनबल, जनबल और बाहुबल सभी वहां उपस्थित थे, इसलिए चुनाव प्रभारी को निरस्त करना। तो इस प्रकार आज जो हमारे अपना दसोराज के राज प्रधान हमारे सलाहकार और संरक्षक सभी मिल के निर्णय लिए कि हमको अस्थायी अध्यक्ष नहीं बनाना है, कार्यकारी अध्यक्ष नहीं बनाना है, और इसके लिए लोग प्रयास किए, और मतदाता पद्धति जो है वो अपना ग्राम प्रमुख, क्षेत्र प्रमुख और प्रतिनिधि प्रणाली टाइप से, और पूरा कार्यकारिणी के सदस्य इसमें वोट डालने आए। अभी जो वोट डाले हैं उसमें 1,107 जिसमें मुझको 37 मिला है, 537, और हमारे निकटतम प्रतिद्वंदी चोराम जी को 427 वोट मिला है, तो 110 से विजयी हुआ हूँ, और समाज की मैं अपना जीवन इसीलिए अर्पित करता हूँ समाज की विकास में, समाज गंगा की। समाज के लोगों को अपने नाम का कोई संदेश देना चाहेंगे? मैं तो मनमकुर्मी क्षत्रिय समाज का एक बेटा हूँ, और जहाँ जिस जो पैदा होते हैं वो उसी दिन से ही समाज के एक सदस्य बनते हैं, और हमारी जो जनसंख्या है आज 8,00,000 से 16,00,000 के बीच, वैसे तो हम सभी फिरका जो है 24 फिरका शामिल हो चुके हैं, और इसमें हम सबको एक सम्मिलित करके एक सबको मिला के चलेंगे, यही मैं सोचता हूँ, और इसके लिए समाज का जैसा भी विकास
क्योंकि घर का मुखिया के अनुसार ही घर के बच्चों का निर्माण होता है, वैसे समाज के मुखिया अच्छा मुखिया रहे तो अच्छा निर्माण होगा। इस सोच के साथ मैं समाज के अध्यक्ष बनने के लिए आया हूँ और इसमें मुझे आम जनता ने और हमारे जितने राज प्रधान हैं, ग्राम प्रमुख है, क्षेत्र प्रमुख है, कार्यकारिणी है, सभी सहयोग दिए और मैं सबको मानने के लिए सर आप चुनाव जीत गए हैं तो आपका अगला कदम क्या होगा? अगला कदम सुपर 40 आपको बताया था। देश में आज जो चल रहा है आप देखिए, मुसलमान समाज देश में सुपर 40 लागू कर रहे हैं। बिहार सरकार आपको याद होगा, पढ़े होंगे कि सुपर 30 लागू किए हैं। 36 लड़का वो लोग IAS IPS बनाते हैं तो हम समाज का, हम तो 500 लड़का को बनाने, लड़के को बनाने, बच्ची और बेटी और बेटा को बनाने के लिए तैयार है। उसके लिए हमारा गांव-गांव एक अभियान होगा, गांव-गांव जाएंगे और बैठक करेंगे, उसमें बोलेंगे 100 रुपया आप सहयोग करिए। तो यदि 800,000 लोग देते हैं तो 8 करोड़ होता है, तो 500 बच्चे हम गरीब बच्चों को IAS IPS की तैयारी कराएंगे। तो हमारा एक ही उद्देश्य है शिक्षा। बुद्धि जो है वो सबसे बड़ी पूंजी है, सब चीज़ का बंटवारा होता है, बुद्धि का बंटवारा नहीं। और इसमें आज सभी लोग जानते हैं इस बात कि बुद्धि बहुत बड़ी है। हमारे जो समाज में ऊंच नीच की जो खाई है, बड़े लोग बड़े हो गए हैं क्योंकि पढ़े लिखे जिसके माँ बाप शिक्षित हो गए हैं वो बहुत पूंजी वाले हो गए हैं, और मजदूर का बेटा, किसान का बेटा और खेतिहर का बेटा, उसकी पढ़ाई की जो आज की जो पढ़ाई नीति है वो सिर्फ पैसा वाला नीति है। एजुकेशन का जो है बदलाव आया, पहले जब हम लोग जब पढ़ते थे तो गांव-गांव में स्कूल में वही जाते थे, आज बड़े बड़े अफसर का बेटा, विधायक का बेटा, सांसद का बेटा अलग पैसा वाला उसमें जाता है, अब गरीब का बेटा भटकौवा स्कूल में रहता है। ये दोनों स्कूल सोचना पड़ेगा। तो हम चाहते हैं समाज में सरकार एक नीति निर्धारण करना पड़ेगा कि हमारे समाज के बच्चों का विकास, और इसी विकास को लेकर डॉक्टर सिरमौर ने अध्यक्ष का प्रत्याशी थे और इसमें मुझको सभी लोग इस मेरे मनसा को जानते थे और सभी लोग वोट दिए, इसीलिए मैं जीत गया। और इसके लिए मैं सबको धन्यवाद देता हूँ, पूरे मनमकुर्मी क्षत्रिय समाज के जो 20 लाख हमारे मतदाता हैं, 16 से 20 लाख, सभी को उनका आशीर्वाद मिला, मुझको सहयोग मिला और विशेष रूप से नरेंद्र भाई और जो कामता भाई जो राज प्रधान हैं हमारे समाज, उन लोग का विशेष सहयोग रहा है। और आप लोग जो आए हैं पत्रकार रिपोर्टर की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। नहीं, आप लोग की बहुत बधाई जो हमारे समाज के संदेश को और मेरे संदेश को आप लोग जनता के बीच में ले जा रहे हैं, ये मैं आप लोगों का आभारी हूँ। धन्यवाद। समाज गंगा की जय। डॉक्टर खूबचंद बघेल अमर रहे। अमर स्वामी आत्मानंद महाराज की जय। शिवाजी महाराज की जय। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जय। नरदहा गांव की जय। नरदहा गांव सर्व समाज की जय। डॉक्टर सिरमौर जिंदाबाद, जिंदाबाद। डॉक्टर सिरमौर जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज जिन चुनाव छत्तीसगढ़ मनवाकुर्मी क्षत्रिय समाज केंद्रीय अध्यक्ष के एक स्वर्णिम अक्षर और स्वर्णिम युग के नाम से जाने जाही, क्योंकि हमर अतेक बड़े बृहद समाज जेन ह 15 लाख के आबादी निवास करते, कोनो भी कारण हमर आपसी घर के बात में ये कार्यक्रम अभी जेन चुनाव संपन्न नहीं हो गई, निश्चित हम चंदखुरी राजला ही होकर कोनो प्रकार के अगर नामोशी हुई तो खुशी लभी वही राज में करवाबो के नरदहा भवन हमर जेन पूरा प्रदेश छत्तीसगढ़ कुर्मी समाज के जमा एक रुपया लगे है अभी अजीत गेंद भी जगम कराबो के हमर मन के विश्वास रही और दसों रात पूर्ण रूप से हम ये संकल्प कर रहे हैं कि मनवा कुर्मी समाज का छत्तीसगढ़ केंद्रीय अध्यक्ष हमन एक संकल्प ले रहे हैं कि पूर्ण रूप से 3 साल के कार्यकारी अध्यक्ष के तौर में बना, यही संकल्प के साथ हमारे दसों राज प्रधान अपन विचार ला रखे रहे और अडिग करके कोनो प्रकार के हमन एक दूसर प्रत्याशी के भी प्रचार प्रसार नहीं करें और स्वयं ही हमार समाज के स्वजाति मन ये बात ला जान डरी कि कौन आदमी है समाज ला आगू दिशा दे सकते हैं। वह कार्यक्रम में समस्त सिरमौर परिवार ला मैं बधाई देहूँ, धन्यवाद दूँ जेन आज ओकर बेटा बहू बेटी मन सबे जन समाज ला आगू बढ़ाए खातिर बर डॉक्टर सिरमौर जी के साथ दिस और छत्तीसगढ़ मनवाकुर्मी समाज के समस्त स्वजाति मैं बधाई दूँ, दसों राज प्रधान ला बधाई दूँ जेन है
ये अपन कंधा से कंधा मिला के डॉक्टर सिरमौर जिला आशीर्वाद दिस और आज छत्तीसगढ़ के मनोकुर्मी समाज के एक मिसाल कायम करिस जेमे शासन प्रशासन तंत्र अलग हलो ये बात के जानकारी हुई कि समाज एकजुट जब होते तो का होते तो कोनो समाज ला छोटे नहीं समझना चाहिए। यही भावना के साथ मोर साथ में खड़े भैया बबला वर्मा धंधा वाले एकर बहुत ही मेहनत और अभी अभी ये नवा संपन्न चुनाव कर गई और संपन्न चुनाव करके आए हैं लेकिन एक ताकत ला देखे तो एक युवा के जोश है समाज ला आगू बढ़ाए बर। निश्चित तौर में हमार ये नरदहा गांव में जितका भी हमारे स्वजाति मन आए रही से हमार पुलिस प्रशासन का सहयोग ले रहे वहू मन ला धन्यवाद देवत हन जेन कम से कम समाज ला एक संगठित हो बर सहयोग करीस। हमार मीडिया वाले भाई मन आए हो हम आप सब ला भी धन्यवाद देवत हन। छत्तीसगढ़ के हमार सबे स्वजाति मन व कुर्मी समाज ला धन्यवाद देवत हन। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर में जन हमल साथ दी सबको जन धन्यवाद देव था और आप सबसे यही निवेदन करबो कि समाज कोई भी समाज हो कोकरो भी जातीय समाज हो वो विघटन की ओर झन जाए एकता बने रहे और उमा राजनीतिक दखल भी समाज के आवय ऐसा आगू हम स्रोत बनाबो। राजनीतिक व्यक्ति हमर कर आवय हम राजनीतिक व्यक्ति कर नहीं जान यही भावना लेके साथ आज हमार सियान दसों राज के केंद्रीय अध्यक्ष के रूप डॉक्टर राम कुमार सिरमौर जिला बनाएन और बनाए हैं तो निश्चित ओकर जिन अगुआ काम करे है तेन आप मन के सामने में इन नरदहा भवन है परलक्षित हुआ थे। निश्चित एकर और हमला समाज में आगू ओकर मेहनत के फल समाज एक अच्छा दिशा दी यही भावना के साथ आप सब ला पुनः धन्यवाद देवत अपन बात ला यही में विराम देवत हूँ। बोलो समाज गंगा की इस चुनाव को लेकर जो हमारे समाज में एक गलत भावना पैदा हो गई थी कि डॉक्टर राम कुमार सिरमौर जी ने कुछ ऐसा कार्य किया है जिसके कारण हम उनको समर्थन ना करें ये पद्धतियाँ और ये गलत भावनाएं जो फैलाई गई थी तो वो आज दूध का दूध और पानी का पानी हुआ है और डॉक्टर राम कुमार सिरमौर जी जो विजयी हुए हैं वो एक न्याय का प्रतीक है और हम चाहते हैं कि इस प्रकार की सच्चाई की जीत हमारे मनवा कुर्मी समाज में हमेशा होती रहे क्योंकि आज हम नरदहा के जो भवन में देख रहे हैं जहां पर चुनाव संपन्न हुआ है वो वास्तव में डॉक्टर राम कुमार सिरमौर जी का एक अथक प्रयास था और पूरे उनके मनवा कुर्मी समाज के आठों राज के राज प्रधानों का उसमें पूरा सहयोग रहा है। हाँ दसों राज का पूरा सहयोग रहा है तो वो हमारे राज प्रधानों की भी जीत हुई क्योंकि तह दिल से उनके साथ पैर से पैर मिलाकर पूरे छत्तीसगढ़ में उन्होंने दौरा किया और एक एक रुपये इकट्ठा करके आज जो हमारा भवन जो खड़ा है जहाँ पर चुनाव संपन्न हुआ और न्याय की जीत हुई सत्य की जीत हुई और डॉक्टर राम कुमार सिरमौर जी हमारे अध्यक्ष के रूप में सर्वसम्मति से निर्वाचित हुए ये हम लोगों की जीत है हमारे मनवा कुर्मी समाज की जीत है और हम चाहते हैं कि एक अच्छे एजुकेशन को लेकर जो हमारे मनवा कुर्मी समाज में एक सोच डॉक्टर राम कुमार सिरमौर जी अध्यक्ष जी के द्वारा जो बताई गई है उसमें हम सब चलेंगे और हम गरीब बच्चों को जो योग्य है जो कला के क्षेत्र में है शिक्षा के क्षेत्र में है जो जिस भी क्षेत्र में वो योग्यता हासिल कर सकते हैं उसको हम लोग निश्चित रूप से बढ़ावा देने का प्रयास करेंगे और यही मैं निवेदन भी करूँगी डॉक्टर सिरमौर जी से और उनको हम बधाई देते हैं हम महिला की ओर से बहुत बहुत बधाई देते हैं। हम लोग को बहुत ही खुशी हुई कि सत्य की जीत हुई है ये सबसे बड़ी जीत है और उसमें डॉक्टर सिरमौर जी जीते हैं उनको हम अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाई देते हैं और आपको भी मैं थैंक यू बोलती हूँ कि आपने मुझे सुना और मुझे बोलने का अवसर दिया। देखने वाले सिरमौर जी से जो सपना जागते हैं देखते हैं ना उसका सपना एक पूरा
हुआ हुआ अच्छा हुआ क्योंकि सत्य की जीत हुई और हम ये सोच ही रहे थे कि हमारे डॉक्टर राम कुमार सिरमौर सभी क्षेत्र में ही अच्छे हैं, समाज से वे इतने उम्र हो के बावजूद भी वो समाज से हमें आगे हैं तो आप बने। इसके लिए हम सभी समाजवासियों को जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग के उसकी आभारी और धन्यवाद देती हूँ। जीत हमारी है, हमें आशा है कि हमारा समाज आगे की ओर बढ़ेगा। बहुत अच्छा से अच्छा चुनाव का परिणाम आ गया है और डॉक्टर राम कुमार सिरमौर विजयी घोषित हुए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं पीछे काफ़ी जश्न मनाया जा रहा है, जीत की खुशियां मनाई जा रही है। टॉप रिपोर्टर से मैं दीप्ति, कैमरामैन विकास के साथ, थैंक यू।